क्या आपको पता है कि आप गूगल क्रोम के अंदर किसी भी वेबसाइट को डार्क मोड में विजिट कर सकते हैं? जी हाँ, आई थिंक ये आपके लिए न्यू बात नहीं होगी, क्योंकि आज से पहले काफ़ी ज़्यादा क्रोम की ऐसी एक्सटेंशंस थी जो आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती थी। बट जो गूगल का न्यू अपडेट आया, आई थिंक काफ़ी कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि विदाउट किसी भी एक्सटेंशन इस डार्क मोड को किसी भी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाय गाइस, आई एम अजी संधू फ्रॉम डिजिटल स्पाइडर्स, और आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप गूगल क्रोम को डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको किसी भी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्रोम का आपको प्लगइन नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये था कि कुछ क्रोम की एक्सटेंशन थी जिनमें डार्क मोड रीडर था, या कुछ और एक्सटेंशन थी जिनके थ्रू आप अपने क्रोम को जो सा डार्क मोड में ला सकते थे। बट अभी रिसेंटली जो सा गूगल क्रोम न्यू अपडेट लॉन्च हुआ है, उसमें ये है कि आप बाय डिफॉल्ट जो सा क्रोम के अंदर इसे डार्क मोड में ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना, क्रोम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्रोम को बल्कि आपने ओपन करना है, और आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी डार्क मोड में। आपने यहाँ पे सिंपली जाना है, आपने टाइप करना है क्रोम डबल स्लैश फ्लैग्स, आपने क्रोम फ्लैग्स के अंदर चले जाना है, यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, आपने सर्च करना है डार्क मोड, ये आपके सामने आ गया, फोर्स डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स। यहाँ पे सिंपली आप जैसे ही डिफॉल्ट पे इसे क्लिक करेंगे तो ये टोटली वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे रीलॉन्च करके आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरा क्रोम अगेन जो है वो जो है वाइट कलर में आ चुका है। अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हैं क्रोम फ्लैग्स के अंदर, यहाँ पे आके आपने रिसर्च करना है डार्क मोड, सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे आपने डिफॉल्ट की जगह आपने अनेबल कर लेना, और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शन है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चले, आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।